ठीक है। और ये देखिए स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये बच्चे स्कॉलेस्टिक क्या होता है, स्कॉलेस्टिक स्कॉलर समझते हो, स्कॉलर जैसे मान लें यस आप, सर। अगर आपने 10th कंप्लीट किया तो इसका मतलब आपको 10th का नॉलेज हो गया, तो आप 10th के स्कॉलर हो गए, ठीक है। वैसे ही आप अगर मान लो इंटरमीडिएट या 10+2 कंप्लीट किया तो आपको 10+2 का स्कॉलर कहेंगे। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया जैसे BSc, BA, BTech, तो आपको BSc, BA और BTech का स्कॉलर कहेंगे। तो स्कॉलर मतलब वो जिसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज हो। तो आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को चेक किया जाएगा, और मेन सब्जेक्ट जो है आपके वो है मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस। तो यहाँ पे आपका किसका किसका टेस्ट होगा बच्चे, मैथमेटिक्स कौन सा मैथमेटिक्स, क्लास 8 तक का मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टिल क्लास 8। और यहाँ पे होगा साइंस टिल क्लास 8। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। जब हम नोट कर लिए, वेरी यस सर। गुड। आज का डेट क्या है बताओ, वेरी सर 13। गुड। महीना, पहला साल 22। आगे चलते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसका नाम देख लेते हैं। सर। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है, जस्ट वेट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। नाम, यस चैप्टर, सर। चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर को क्या कहते हो आप लोग हिंदी में? अध्याय। वेरी गुड। देखिए पहला अध्याय संख्या श्रृंखला है, और ये हम बता रहे हैं आपको मैट के बारे में, ठीक है। यस टैट बाद में होगा आप लोगों का। तो ये है संख्या श्रृंखला, लिखिए संख्या श्रृंखला। अगला लिखिए, श्रृंखला में गलत संख्या का चयन। जो चैप्टर्स हम लोग करेंगे या जो अध्याय हम लोग करेंगे जिस पर ध्यान देंगे ज्यादा, वो लिखा रहा हूं मैं।
व्यू, आप व्यू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, याद रखेंगे। संकेत प्रतिस्थापन, संकेत प्रतिस्थापन, संकेत प्रतिस्थापन जो है बच्चों वो है एक तरह से, संकेत तो कहते हैं इंग्लिश में सिंबॉल, सिंबॉल कहते हैं, और प्रतिस्थापन होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी उसकी जगह पर रखना, सिंबॉल सब्स्टिट्यूशन। लिखिए तेजी से। संख्या, फटाफट लिखिए, चैप्टर का नाम लिखने में हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। संख्या और आंकड़ों में संबंध, संख्या आंकड़ों में संबंध, संख्या या संकेत को बदलना, संख्या या संकेत को बदलना, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, संख्याओं का समूह और नियम, अलग संख्या का चयन, कहां तक लिख लिए आप लोग, किस नंबर पे हो? गुड, सर जी 9 पे। सादृश्य, सादृश्य को शायद एनालॉजी भी कहते हैं, सादृश्य को शायद एनालॉजी भी कहते हैं। तो बच्चों मैट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, अभी पढ़ा आपने, बताओ शिवम। सर जी वेरी गुड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एनएमएमएस का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल मींस कम मेरिट वेरी गुड, श्रृंखला स्कॉलरशिप। को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? श्रृंखला सीक्वेंस, सीक्वेंस, और संख्या को बोलते हैं नंबर। चलिए लिख लिए दीपक, ये शिवम,
शिवम क्लास में है आप? हेलो, रूपा आप क्लास में है? यस सर। शिवम कहाँ चले गए? चलिए आगे चलते, आगे चलते। कितना टाइम बचा है हम लोगों के पास? देखिए तो रूपा, चले हम लोग क्वेश्चन पे। शिवम आवाज आ रही है आपको? तो कल हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं। कल का क्वेश्चन बताइए क्या था। कल एक होमवर्क दिया था ना मैंने आपको, याद है? 77816-107 ऑप्शन क्या क्या था? 41, 43, 57, 93 क्या था आंसर इसका, बताइए फटाफट। शिवम, रूपा, यस सर जी। क्या है आंसर इसका, बताइए। नहीं बनाया इसको? दोनों को घटाइए तो कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्ट कीजिए, बताइए क्या क्या आ रहा है। 7 माइनस 7 कितना होता है? 0 8 माइनस 7, वन चलिए बताते जाइए। और एट तो यहां पे देखिए, 0 का क्यूब, क्यूब जानते हैं ना, 0 × 0 × 0, जी। ये 1 का क्यूब है, ये है आपका 2 का क्यूब, तो इसके बाद किसका क्यूब होगा? 3 का 3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब बताइए कितना होता है। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक हाँ शिवम बोलो। थ्री का क्यूब बताइए जल्दी से। हाँ जल्दी बताइए। ठीक 27 है, 27 हो गया। 27 को जोड़िए इसमें, इसमें जोड़िए 27 को।43 ठीक है, तो ये आंसर हो गया, लिख लीजिए 43। किचन आगे चले। अच्छा अगला सवाल देखिए। देखिए 42, 41, 43,
40, 47, 32, 56, यहां बताइए क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं, 24, 60, 6 और 5। कुछ समझ में आ रहा है शिवम रूपा? कुछ समझ में आ रहा है सवाल में? नो सर, चलिए हम ट्रिक बताते हैं, हम डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या है ना, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर तो लिखना नहीं है, ठीक है? ध्यान देंगे यहाँ पे, यहां से यहां देखिए कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक एक छोड़ एक के एक बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां से यहां जंप कीजिए, कितना बढ़ रहा है, चार 4 बढ़ रहा है। यहां से यहां जंप कीजिए, कितना बढ़ रहा है, नाइन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से यहां जंप कीजिए, कितना घट रहा है, शिवम एक सर आ गए क्या? माइनस कहां वन यस सर चले गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया तुम्हारा। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, बंद करो तो, बंद करो जिसका आवाज आ रहा है। हाँ शिवम देखो, बोलो यस कितना आएगा, कितना आएगा, कितना घट एट रहा है? यस, -8। तो यहां से यहां कितना घटेगा, क्या लग रहा है? वन का स्क्वायर क्या होता है, फोर टू का स्क्वायर क्या होता है, थ्री का फोर स्क्वायर क्या होता है? सिक्स नाइन, 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 3 × 3। चलो यहां देखो, सर जी 24 आ जाएगा आंसर। आंसर 24। क्या कंफ्यूज सर 60 आ जाएगा। है? नहीं बाबू, 60 नहीं आएगा। देखो ना यहाँ पे, ये -1 का क्यूब है ना, ये यस -2 का सर क्यूब है, तो यहां -3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब, 32 में से 3 का क्यूब घटाना है बच्चों। अच्छा यानी 32, 3 का क्यूब क्या होता है रूपा, 3 का क्यूब नहीं बताओ, 27, 27 32 को 27 में से घटाओ। सर जी 5 आंसर आ जाएगा। 5 आएगा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा रूपा। मन बोले तो पार जाएगा। चलो तो ऊपर में बताओ क्या हो रहा है, लिखो यहां पे, ऊपर में लिखो, ऊपर में स्क्वायर हो रहा है, लिखो लिखो, ये देखो यहां लिख रहे हैं, दिख रहा है हिंदी में लिख रहे हैं, दिख रहा है, ऊपर यस में सर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में क्यूब हो रहा है, क्यूब का मतलब पावर 3। शिवम समझ में आ रहा है? यस सर
में कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर जी, मजा आ रहा है। वेरी गुड, नया नया चीज सीखने मिल रहा है ना, बहुत यस बढ़िया। सर। तो रेगुलर क्लास में आना है, ठीक यस है? सर। ये आपको यस मौका नहीं सर। मिलेगा। और आप लोग स्कॉलरशिप निकालना, पता है ना हर महीने कितना मिलेगा आपको? हर महीने 12,000। 1,000, और हर साल 12,000। आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? यस मिटा दें? सर। यस चलो बच्चों, एक एक अच्छा सा एक हम लोग गेम खेलते हैं। स्क्वायर का गेम, और तुम लोग बताओगे। चलो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लो, तैयार करो कॉपी पेन को एकदम बढ़िया से, लिखते जाना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? शिवम बताएगा। सर जी, वन 1। 1, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर फोर। फोर। शिवम बताएगा। शिवम अच्छे से सर एक्सप्लेन करके फोर। बताओ। शिवम यस सर। एक्सप्लेन करके बताओ, ये पूरा बताना जैसे लिखे हैं ऊपर में वैसे। ना ऐसे नहीं, हम बताते हैं कैसे बताना है। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। बताओ शिवम, इसके बाद वाला। बोलो शिवम, यस सर। ऐसे बोलना। 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। चलो शिवम, अगला ट्राई करो, लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो और फिर बताओ हमको। रूपा तुम ट्राई करोगी? यस सर। सर जी, बोलो मैंने 6 तक लिख लिया। बोलो, ये वाला बोलो, 5 वाला। सर जी, पहले कैसे बोलेंगे एक बार बता दो। इज 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई इंटू फाइव 5। इक्वल्स टू 25। चलो 6 का बोल दो, हम लिखेंगे। बोलो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। बहुत अच्छा। शिवम 7 का बताओ। 7 का बताओ। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 का बताओ। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। 9 का बोलिए। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। नो, 81। सर जी, 81। सॉरी चलो शिवम 10 का बोलो, ट्राई करो शिवम, प्लीज प्लीज ट्राई करो। सर शिवम जी, एक, 11 का भी करना है। हाँ, 20 तक करना है। चलिए लिखिए, मैं लिखते जाता हूँ, नोट कीजिए। अपने आप लिख लेंगे। हाँ, 144। राजी तू भुगतान। बीच वाला भर लेंगे आप।
बच्चों इसको भर लीजिएगा, यहां पे भी भर लीजिएगा इसको। बच्चों आप लोग को होमवर्क देते हैं थोड़ा, ओके सर। लिख लें, याद करें, याद करें। शिवम याद हो जाएगा? लिख लिए आप लोग? मिटा दें इसको। यस सर। चलिए अब हम लोग क्यूब लिखेंगे, सॉरी। वन का क्यूब क्या होगा बच्चे, बताइए। वन टू का क्यूब बोलिए। मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग कितना होगा। सर जी, 2 का 8। ठीक है, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये 27 होगा। चलिए आगे बताइए, 4 का। 4 का 64। 4 कैलकुलेट करते जाइए साथ साथ। फाइव का बताइए, 125 आया क्या, चेक कीजिए। सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग। बच्चों एक और होमवर्क दे देते हैं आपको, और वो होमवर्क है 11 का क्यूब से लेकर आपको 20 का क्यूब तक लिखना है। ओके सर। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है, यहां से लेके यहां तक आपको लिखना है। कोई दिक्कत? चलिए हाँ शिवम, आपका हाथ उठा हुआ है, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। शिवम आपने हैंड रेज किया है, ठीक है। शिवम आवाज नहीं आ रही है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लिया, चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए फटाफट, बड़ा आसान क्वेश्चन है।
लिखा है डैश कॉमा 73 कॉमा डैश कॉमा 62 58 55 53। ऑप्शंस है, दो वैल्यूज आएगा। पहला ऑप्शन है 8067, चेक कीजिए 8067 होगा क्या। दूसरा है 8066, ये हो सकता है। तीसरा है 7865। तीन ही ऑप्शन दिया है, तीनों में से किसी एक का चयन कीजिए। ध्यान से देखें सवाल को। देखिए यहां पर कितना बड़ा है। आएगा हाँ बोलिए, यहां दो बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, यहां कितना बढ़ रहा है, तीन। तीन यहां कितना है, चार चार। यहां कितना होना चाहिए, पांच और यहाँ, छह और यहाँ सात। तो सेवन 62 + 5 कीजिए। तीनों बात में से एक ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए डायरेक्ट। आगे ऐड मत कीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन दिख गया सही, टिक कर दीजिए उसको। हाँ चेकिंग के लिए 80 होगा कि नहीं, 73 में 7 ऐड कीजिए। सर जी 80 80 भी होगा। आगे बढ़े। यस सर लिखिए क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन देते हैं। एक 215 63 26 चारों में से देखिए कौन सा होगा। दो सौ पंद्रह है ये एक है। अभी मैंने आपको क्यूब सिखाया था ना, उस क्यूब पे बेस्ड है। ट्रिक लगाइए, हिंट दिया मैंने। अभी क्यूब क्यूब लिखवाया था ना, उस पे बेस्ड है, वहीं से ट्रिक मिलेगा। दो का क्यूब क्या होता है, देखिए दो का क्यूब नियम, मैं एक घटाइए कितना हो जाएगा। सेवन तो इसको लिखिएगा 2³ - 1। चलिए, तीन का क्यूब कितना होता है, 64 ना 3 का क्यूब 27 एक घटाइए कितना हुआ। तो 26 ट्वेंटी इसको क्या लिख सिक्स सकते हैं, 3³ - 1। तो ये कितना होना चाहिए, 2³, 3³, ये क्या हो जाएगा। और का क्यूब क्या होता है, 64 देखिए आ गया 4³ - 1।
यहाँ पे क्या होगा? सर जी 124। बहुत बढ़िया, 5³ - 1 राइट आंसर। शिवम ये वाला का कौन, ये बताओ क्या होगा? इसको कैसे ये लिखेंगे? सिक्स का क्यूब है, उसमें वेरी गुड, माइनस वन वेरी गुड। कौन बताया ये? रूपा, रूपा। गुड। आज रूपा काफी अच्छा जवाब दे रही हो, वेरी गुड। शिवम तुमको समझ में आया कि नहीं? आज तुम जवाब नहीं दे रहे यस हो। सर। आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, बता जल्दी से, क्या कारण है? खाना नहीं खाया क्या सुबह सुबह? सुबह सुबह खाना खा लेते हो नो सर। या सुबह जल्दी कोई उठा दिया तुमको? नो सर। तो आज जवाब क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा एक ट्रिक सीखोगे, एक ट्रिक सीखोगे, बोलो। यस सर। यस शिवम सर। एक जबरदस्त ट्रिक है, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। यस सर। ठीक है, लास्ट 10 मिनट में ट्रिक सिखाते हैं, फिर कल हम लोग कल करेंगे श्रृंखला में गलत संख्या का चयन। चलो वीडियो ऑन कर लो सब लोग, वीडियो ऑन कर लो और ऑडियो भी ऑन कर लो। हाँ देखे, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो? चलो तुम लोग को हम स्क्वायर करना सिखाते हैं, बड़े बड़े नंबर का। 15 × 15 कितना होता है शिवम, बोलो तो, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना पेन यूज किए, सॉरी। ये बता सकते हो देख के सिर्फ? शिवम आंसर बताओ, रूपा आंसर बताओ, ये सबका सिर्फ देख के। चलो ठीक है, 5 5 जा बताओ रूपा, 5 5 जा 25। 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, मन में 25 लिख देना, मन में 25 सोचना लास्ट में। इतना कर लोगे ना? यस सर। अब देखो ट्रिक, यहां कितना है? सर 15। एक एक वन एक 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 है ना, सर। तो वन जैसे एक एक अगर दिखेगा तो क्या करेंगे? 1 × 2, 1 × 2 क्या होता है बोलो? दो। दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 × 15 225। समझ में आया? सर। अभी यहां क्या दिख रहा है? सर टू टू। दोनों जगह 2 दिखना चाहिए, दोनों जगह। यस अगर सर। दोनों जगह 2 होगा तो करेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 3 क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पे? सिक्स। फाइव। सॉरी सर। सिक्स। समझ में आ रहा है क्या? सर। यहाँ क्या दिख रहा है? क्या करेंगे? 3 3 × 4 = 12, तीन चौके 12 = 25। समझ में आ रहा है क्या? यस चलो इसका बताओ जल्दी से। सर। 20 जी अगले आएगा। में 20 आ जाएगा। 20। 20 25 ऐसे बोलना है, 20 25। यस। चलो इसका बताओ जल्दी जल्दी, करो अगले करो करो, लगाओ कसरत करो, कसरत करो। में सर 30 25। 30 25। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कसरत करो कसरत करो। 42 25। यस सर। चलो तुमने तो सीख गए, तो थोड़ा सवाल को भारी कर दिया जाए। तुम यस सर। लोगों को पहाड़ा कहाँ तक का आता है?
टेबल कहाँ तक का आता बच्चे? 25 तक। कहाँ? 25 तक। 25 की 5। शिवम तुमको टेबल कहाँ तक आता है? 22 तक। वेरी गुड, तब तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ ट्राई करो, तो शिवम ट्राई करो, अच्छा आ रहा तुम्हारा अभी परफॉर्मेंस, बोलो कितना होगा? 10-10 है। बस इतना टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कितना आसान है, 10 10 गुना 11 करो। एक सौ दस एक सौ दस पच्चीस चलो ये वाला करो। यहाँ 12 है तो 12 गुना 13 होगा। चलो ये वाला बताओ सब लोग, 205 गुना 205 बताओ अच्छे से, जल्दी बताओ। दो सौ पांच वाला दो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो हल्का क्वेश्चन देते हैं, चलो बोलो शिवम। 75 75 जल्दी से। जो जल्दी बताओगे तो एक और जी नया ट्रिक बयालीस सिखाएंगे, नहीं तो फिर नया बयालीस ट्रिक नहीं पच्चीस सिखाएंगे। हाँ ये 42 25 नहीं होगा बाबू, 56 25। 7 8 जा होगा ना, 7 8 जा 56। चलो ये बोलो, 85 वाला बोलो। 72 25। बहुत अच्छे, कौन बताया, कौन सर बताया? जी रूपा। वेरी गुड, चलो जल्दी से ये वाला बताओ। नब्बे पच्चीस बहुत बढ़िया, टाइम हो गया। एक लास्ट फॉर्मूला लिखा दें, इसका फोटो भेज देते तुमको, ठीक है ना, ग्रुप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आज प्रैक्टिस करना इस पे, ठीक है शिवम? यस सर। ओके सर। और इसको प्रैक्टिस करना, और अगर दिक्कत आया तो कल फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और कल के क्लास में क्या होगा, कल के क्लास में श्रृंखला में गलत संख्या का चयन होगा, श्रृंखला में गलत संख्या का चयन होगा, पढ़ के रखिएगा, पढ़ के रखिएगा बच्चों। ओके सर। चलो एक फॉर्मूला लिख देते हैं और छुट्टी करते हैं। लिखिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद हो जाएगा सर जी? ये याद था। याद है, ठीक है। अगर ये याद है तो ये भी लिख लो, इसको उल्टा करके, a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक सवाल भी लिख लो निनान, 101 गुना 99 होगा,
101 गुना 99, तो 101 को कैसे लिख सकते हैं, 100 जोड़ 1, और 99 को 100 घटाव 1, 1 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 10,000 में से 1 घटाओ 9,999। ठीक इसको सीखना है कल। थैंक यू। क्लास का टाइमिंग है 9 AM टुमारो। ठीक है बच्चों, छुट्टी कर लो अब। ओके सर।